एक्सरसाइज 5 स्टार्ट कर रहे हैं। ऐसे ऐसे की बुक है आपकी, ठीक है, साइंस आई जी के। आपको सारे सॉल्यूशन जो है प्लेलिस्ट में आपको मिल रहे हैं, और एक्सरसाइज 5 जो है वो उसी का ही पार्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं जरा आज का ना। पहला क्वेश्चन है आपका कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, क्वेश्चन ये दे रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। पहला क्वेश्चन है साइन 120 डिग्री, इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो साइन 120 डिग्री की वैल्यू निकालनी है आपको। कैसे करेंगे, तो उसके लिए एक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। सबसे पहले साइन 180 माइनस थीटा जो होता है वो होता है साइन थीटा के बराबर। किसके? साइन थीटा के बराबर। तो इसको हम क्या करेंगे, 120 को ना कुछ ऐसे करके लिखेंगे कि 180 माइनस समथिंग करके, यानी 180 में से कितना घटाऊं, कितना माइनस करूं कि 120 आ जाए। तो 180 में से अगर मैं 60 माइनस कर दूंगा तो 120 बन जाएगा क्या? बिल्कुल बन जाएगा। तो साइन 180 माइनस थीटा की फॉर्म बन गई है। देखो 180 माइनस थीटा, बिल्कुल इसके जैसे लग रहा है। इसकी वैल्यू क्या होती है? साइन थीटा। तो हम इसको लिख देंगे साइन थीटा, थीटा की जगह पे है 60 डिग्री, यानी साइन 60 डिग्री की वैल्यू आपका आंसर होगा, यानी √3/2 आपका जो है वो फाइनल आंसर होगा। तो ये पहला क्वेश्चन है इसका। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, जरा जल्दी से हम देखते हैं क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है कॉस 150 डिग्री की। तो सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता चुका हूँ मैं पहले ही। आपको अगर नहीं देखिए तो पुरानी वीडियो देख सकते हो, फिर भी मैं आपको आपके लिए फॉर्मूले यहाँ पे लिख रहा हूँ। कॉस 150 को अगर मेरे को चेंज करना है तो कैसे करूँगा? तो पहले तो आप ये समझ लीजिए, कॉस 180 माइनस थीटा जो होता है, 180 माइनस थीटा जो होता है ये होता है माइनस कॉस थीटा। ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है ये। कैसे करेंगे ये देखो, कॉस 150 को हम लिख सकते हैं कॉस 180 में से 30 माइनस कर दो तो 150 आ जाएगा, है ना। तो कॉस 180 माइनस 30 लिख सकते हैं। अब ये इसके जैसा दिख रहा है, देखो 180 माइनस थीटा की, और इसकी वैल्यू आती है माइनस कॉस थीटा। तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस कॉस 30 डिग्री। तो माइनस कॉस 30 डिग्री यानी माइनस कॉस 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। तो इसका फाइनल आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, चलो जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, 10 135 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। 10 135 डिग्री की वैल्यू आप देखो कैसे निकालेंगे। तो 135 के लिए देखो कुछ चीज़ें हम करेंगे, तो ये देख लेते हैं। सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट में मैंने बता चुका हूँ, लेकिन मैं दोबारा से यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ। 10 90 प्लस थीटा, अगर आपको याद है तो क्या होता है 90 प्लस थीटा? ये होता है माइनस कॉट थीटा के बराबर। 10 90 प्लस किसके बराबर होता है? माइनस कॉट थीटा के बराबर। तो मैं इसको क्या करूँगा, 135 डिग्री है, इसको ब्रेक कर लेता हूँ 10 90 प्लस 45 में। ठीक है, 90 प्लस 45 में जैसे ही मैंने कन्वर्ट करा तो ये बन गया माइनस कॉट 45। ठीक है, क्योंकि 10 90 प्लस थीटा देखो माइनस कॉट थीटा होता है जैसे ये दिख रहा है। तो ये हो गया माइनस कॉस कॉट 45, और माइनस कॉट 45 की वैल्यू कितनी होती है? कॉट 45 की होती है 1। तो -1 इसका जो है करेक्ट आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ज़रा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको दे रखा है sec -330 की वैल्यू निकालनी है। इस बार आपको sec -330 की वैल्यू कन्वर्ट तो आपको करना आता है, लेकिन आपको क्या क्वाड्रेंट रूल पता है उसके बारे में आपको श्योर होना पड़ेगा। तो फिफ्थ वाला देखते हैं, sec -330 डिग्री की वैल्यू कैसे सॉल्व करेंगे। इसके लिए दो कॉन्सेप्ट आपको पता होने चाहिए। पहले sec -theta इज इक्वल टू होता है sec थीटा के इक्वल। ठीक है, दूसरा कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा हूँ मैं, दूसरा कॉन्सेप्ट होता है sec 360 माइनस थीटा। अगर मैं आपसे पूछूं तो कितना होता है, तो भी आप sec थीटा ही बोलोगे। दोनों फोर्थ क्वाड्रेंट में होते हैं। कौन से क्वाड्रेंट में? फोर्थ में। ठीक है, अगर आपको खाली क्वाड्रेंट रूल पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता तो आपको ये फॉर्मूले पता होने चाहिए। और मैंने फॉर्मूले कभी भी याद करने नहीं सिखाया। आपने अगर वो वीडियो देख ली तो आपको कोई भी फॉर्मूला याद करने की कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले sec माइनस थीटा की फॉर्म में है ये, तो इसको हम sec थीटा लिख लेते हैं, यानी sec 330 लिख दिया हमने ऐसे। ठीक है, दूसरा देख लेते हैं, sec 330 को हम लिख सकते हैं sec 360 माइनस 30 लिख सकते हैं, बिल्कुल सही। और इसको हमने पढ़ा है sec थीटा ही लिखते हैं, यानी sec 30 ही लिख सकते हैं। sec 30 की वैल्यू क्या होती है? बिल्कुल सही, 2/√3। ये इसका फाइनल आंसर है, और ये आंसर इसका खत्म हो गया। चलिए लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है इसका, फर्स्ट का जो है लास्ट पार्ट है, cot 1140 की वैल्यू निकालनी है। रूल बता रहा हूँ, क्वाड्रेंट वाला याद करवा रहा हूँ थोड़ा सा। फर्स्ट क्वाड्रेंट यहाँ होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट यहाँ होता है। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, ये बात याद रहनी चाहिए, सारे पॉजिटिव होते हैं। और फोर्थ में खाली cos और sec पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट को लिखते क्या हैं, इसको हम एक चीज़ लिखते हैं 90 माइनस थीटा। दूसरा क्या लिखते हैं हम, दूसरा हम लिखते हैं 360 n प्लस थीटा। ठीक है, ये बात याद रहेगी, 360 n प्लस थीटा भी लिखते हैं हम इसको, और 90 माइनस थीटा भी लिखते हैं हम।
फोर्थ वाले को क्या क्या लिखते हैं? फोर्थ वाले को हम काफ़ी सारा चीज़ें लिखते हैं, माइनस थीटा भी लिखते हैं फोर्थ वाले को, 360 माइनस थीटा भी लिखते हैं, और एक और चीज़ लिखते हैं 360 n माइनस थीटा भी लिखते हैं, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें जो हैं आपको दिख रही हैं, ये तीन चीज़ें हम फोर्थ क्वाड्रेंट को लिखते हैं। अब ज़रा यहाँ पे आ जाओ, तो हमारे को क्या कहना है, कॉट 1140 जो दे रखा है ये बहुत बड़ी वैल्यू है, 1140 आपको कुछ इस तरीके से कन्वर्ट करना है कि आपका आंसर जो है निकल जाए। तो हम क्या करते हैं, 1140 को हम डिवाइड करते हैं 360 से, तो कितनी बार डिवाइड होगा आप सीधा बताओगे, ये 3 बार डिवाइड हो रहा है। कितनी बार डिवाइड हो रहा है? 3 बार डिवाइड हो रहा है, ठीक है। बच कितना रहा है? तो आप बोलोगे इतना बच रहा है, ठीक है। तो क्या मिल रहा है, 360 × 3 + 60 डिग्री ये मिल रहा है इसका। तो ये ध्यान से देखो ये कैसा बन रहा है, अगर मैं इसको अपने दिमाग में पूछूं तो 360 × 3 + 60 डिग्री है, इस 3 को मैं एन की तरह मान सकता हूँ अपने दिमाग में, तो 360 × n + 60 डिग्री बन गया मैं। और ये पहला क्वाड्रेंट में आ गया, दोबारा से फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यहाँ पे सारे पॉजिटिव होते हैं, तो ये बन गया कॉट 60 डिग्री के इक्वल। कॉट 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, बस आपको ये पता होना चाहिए और आपका आंसर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर है और पहला क्वेश्चन आपका ख़त्म हो गया इसी के साथ में, ठीक है।